तो आई गाइस, मैं दिस साइड फ्रॉम वेजी पाजी और ये वीडियो थोड़ी सी हटके होने वाली है। ये वीडियो यूजुअली मेरी वीडियोस खाने के ऊपर होती है, बहुत ज़्यादा डूलिंग खाना होता है। आज की वीडियो भी वैसे तो खाने के ऊपर है। हम लोग आगरा में खाने वाले हैं वर्ल्ड फेमस आगरा के पेठे। एक्सपीरियंस अच्छा तो रहा पर इतना मज़ा नहीं आया। वीडियो पूरी एंड तक देखना, आप समझ जाओगे। और हम लोग खाने वाले हैं एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट से एक थाली, जो रेस्टोरेंट ऑलमोस्ट 100 साल होने को आ रहे हैं उसको। बहुत अमेजिंग खाना होने वाला है इस वीडियो में, बट थोड़ी सी सच्चाई भी होने वाली है, तो वीडियो थोड़ी सी हटके अलग होगी। जैसा भी है थोड़ा सपोर्ट करना, क्योंकि ये चीज़ मेरे को बोलनी थी। आप लोगों को लगता है कि रेस्टोरेंट्स हम लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, वो करते हैं, बट कुछ कुछ रेस्टोरेंट्स को ना बिल्कुल बात करने की तमीज़ नहीं होती। एनीवे, वीडियो के अंदर चलते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कुछ भी बढ़िया सा कमेंट करना, मतलब पॉजिटिविटी रखते हैं इस वीडियो में। बिना किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। तो गाइज, अभी हम लोग आए हैं दशाप्रकाश में और हम लोगों ने दशाप्रकाश में डीलक्स थाली मंगवाई है। यहाँ पे बहुत सारी आइटम्स है खाने को और बहुत ही पुरानी दुकान मेरे को लग रही है, सिंस 1921, आई मीन ऑलमोस्ट 100 साल होने को आ रहे हैं इनको। ब्यूटीफुल डीलक्स थाली मंगवाई है, अराउंड 300 रुपीज़ इसका प्राइस है। यहाँ पे हमें दही मिलता है, रसम, वी गेट ब्यूटीफुल रसम, गेट सांबर, सम राइस, दाल, आलू एंड बैंगन, पूरी, इडली, वड़ा, स्वीट राइस, डोसा मसाला, मिनी डोसा, पापड़। ब्यूटीफुल थाली, ब्यूटीफुल टमाटर, ब्यूटीफुल कोकोनट, मज़ेदार। द चटनी ना इज सो गुड। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दिस थाली इज सारा का सारा खाना फ्रेश बना है। आप वड़ा देख सकते हो, एकदम क्रिस्पी है, एकदम ऑयली है। ये तभी होता है जब वड़ा एकदम फ्रेश बनता है, तो सारा खाना फ्रेश बना है। सो क्रिस्पी, सो अमेजिंग वड़ा। कुछ वेजी पाजी जैसे लोग कहते हैं कि वड़ा जो है इंडियन डोनट है। आप मुझे कमेंट करके बताओ, आपको डोनट पसंद है या वड़ा पसंद है। कमर भी अच्छा है। ओह, ये मैं चीज़ पूछता हूँ क्या है, इसमें चना दाल है और वेजिटेबल्स है। जो लोग साउथ इंडिया से वीडियो देख रहे हो, वैसे तो आप लोग बहुत कमेंट करते हो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, ये पहले बताओ तभी आऊँगा साउथ इंडिया, क्या चीज़ है ये कमेंट करके बताओ मुझे, व्हाट इज़ दिस थिंग। थाली में क्या सारा खाना ट्राई हो जाता है, ज़्यादा खाना वेस्ट भी नहीं होता और मज़ा आ जाता पूरा। 100 साल से दुकान चला रहे, कुछ तो अच्छा कर ही रहे होंगे। अमेजिंग थाली, बट जो मेरे को बेस्ट पार्ट लगा ना थाली का, तो ये थाली का नहीं है, वो तो चटनी, इनकी चटनीज आर अमेजिंग एंड इन देयर वड़ास ब्यूटीफुल। विराट कितनी एक्सपेक्टेशंस है इससे। मज़ेदार ना एकदम। हमारा बिल कितना आया, 350 रुपीज़, दैट इज रीजनेबल, ब्यूटीफुल। हॉरिबल एक्सपीरियंस, जस्ट जितना गुस्सा हो रहा है ना, चले भैया चले भैया, हॉरिबल हॉरिबल एक्सपीरियंस। तो अभी हम लोग आ रहे हैं लोहा मार्केट कहते भी है इसे, लोहार गली। तो अभी हम लोग आ रहे हैं लोहार गली के जामा मस्जिद के सामने ही है गोपाल दास पेठे वाला। तो मैं कल विराट के साथ आया था यहाँ पे और हम लोगों को क्या अलग अलग टाइप के पेठे ट्राई करने थे, तो हम लोगों ने अंकल से रिक्वेस्ट करी, स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करी कि कैन वी गेट दो दो पीस का, जितना मर्जी डब्बा हो आप उसका जितना मर्जी प्राइस चार्ज करना, प्राइस इज नॉट एन इशू, वी वॉन्ट टू ट्राई वेराइटी। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं आप कर देंगे आपके लिए, आप शाम को आइए। हमने बोला कोई नहीं, हम अगले दिन आएंगे। अब अगले दिन आ रहा हूँ, दे आर सो गुस्सा आ रहा है ना मेरे को, दे लाइक नहीं हमने तो हम तो कर ही नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अबे पहले क्यों बोला, फिर पहले क्यों बोला सारा, स्पेशली ऑल द वे मैं जहाँ से रुका हूँ वहाँ से 8 किलोमीटर स्पेशली आया हूँ यहाँ पे, पहले क्यों बोलते हैं, बोलना ही नहीं चाहिए, तभी कल ले जाते। यहाँ पे और कुछ काम नहीं है, अब स्पेशली यहाँ पे इट्स जस्ट ऐसे टाइम पे कैमरा नहीं यूज़ करना चाहिए। कोई कैमरा बंद कर देता तो मेरा मन थोड़ा सा शांत होगा, फिर आप लोगों से बात करूँगा। ये पेठे का जैसा भी ऑनेस्ट ओपिनियन देंगे, बिकॉज मैंने सुना बहुत है इनके पेठे के बारे में। आप कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, ऐसे इतने रूडली बात कर रहे थे, इतना रूडली। 5 पेठा, आर यू रेडी टू ट्राई 5 पेठा, लेट्स गो एंड गेट 5 पेठा। सादा पेठा
भाई एक ये डब्बा दे देना। और दाल मोठ का कितना होगा कम से कम? आधा किलो दाल मोठ, और दाल मोठ भी आधा किलो कर देना। इसमें पान भी है तेरा, अंगूरी भी है, चॉकलेट भी है, जो वो वाला जो था ना गिफ्ट वाला, ये वाला कर देना। तो भाई हम लोगों ने पंछी के पेठे ले लिए हैं और हमारे पास गोपाल दास के पेठे पड़े हैं। दोनों के पेठे एक साथ खाएंगे और देखेंगे कौन से बढ़िया हैं। अच्छे खासे किलो किलो के डब्बे ले रखे हैं हम लोगों ने। खाते हैं देखते हैं। आगरा है, पेठे पेठा और दाल मोठ तो खाना बनता ही है, तो खाओ तो अच्छे से खाओ, तो वरना मत खाओ। ये ताज की भारी भारी प्लेटें आ गई हैं हमारे पास। थोड़ा बात करते हैं आगरा के पेठों के बारे में, और बात करते हैं कि मैं ये होटल में बैठ के क्यों पेठे खा रहा हूँ। ये आगरा में क्या है, पेठे जो है ना आपको किलो के भाव में मिलते हैं, आधा किलो एक किलो, दो ही चीज़ें आती है आगरा वालों को, आधा किलो पेठे एक किलो पेठे। तो एक एक पीस वाला सिस्टम नहीं है, तो आप एक पीस ट्राई नहीं कर सकते। तो आपको चाहिए तो आपको डब्बे ही लेने पड़ेंगे। अब मेरे को था, मैं आगरा आया हूँ, पता नहीं द्वारा कब चक्कर लगेगा। आगरा के पेठे वर्ल्ड फेमस है, खाने तो बनते हैं, वैरायटी ट्राई करनी बनती है। इसको मैं डब्बा अगर खोल के दिखाऊँ आपको, तो ये है बेसिकली अंगूरी पेठा। आप देख सकते हो एकदम गोल गोल से पेठे। आगरा में ना अंगूरी पेठे बहुत फेमस है। इनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, दो चार दिन चलते हैं मैक्सिमम। मेरे को विराट ने बोला कि गोपाल दास के पेठे आर अमेजिंग, पंछी के पेठों से भी नेक्स्ट लेवल। अब मैंने दोनों के पेठे नहीं ट्राई करवे। मैंने बोला ठीक है, विराट लोकल है, उसको आगरा पता है, तो उसकी बात मानते हैं। हमने स्पेशली बोला कि भैया ऐसा हो पाएगा क्या, हम लोग अलग अलग वैरायटी के पेठे ट्राई कर सकते हैं? उन्होंने बोला हाँ। हेल्प चाहिए थी आपकी? मेरा ना एक यूट्यूब चैनल है खाने से, मेरा यूट्यूब चैनल है खाने से रिलेटेड। तो मैंने दिल्ली से मतलब आगरा का खाना वगैरह एक्सप्लोर करने आया था, तो हम लोग ना चाह रहे थे कि पेठे सारे आपके ट्राई कर सकें। बोल रहे हैं कि डब्बे में रहता है, कुछ ऐसा हो मिक्स का डब्बा मिल जाए या कुछ ऐसा मिल जाए कि हम लोग मतलब जो भी जितना भी प्राइस होगा उसका हम लोगों को वैरायटी ट्राई करने को मिल जाए। मैं कह रहा हूँ जितना भी उसका प्राइस वगैरह जो भी है बस वो हम पे कर देंगे, बस हमें वैरायटी ट्राई करना हो, क्योंकि हम लोगों का दो दो पीस ही खाने हैं, एक एक पीस ही खाने हैं। तो वो आधे आधे किलो के डब्बे लेंगे ना तो सारा ख़राब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। तो आप वो खाना शाम के टाइम, या हम आपसे कल ले लें ऐसा कुछ? हाँ, तो आप एक मिक्स का सारा का एक डब्बा, इनका मतलब ये दो दो पीस सब तरह लगा लो, हमसे पैसे ले लो वो कर। हाँ, जितना भी आपका जो भी बिल होगा वो हम करा। हाँ, तो मतलब क्या हम, कोई बात नहीं, अब वो इतने दूर से आए ना तो सारे ट्राई भी हो जाए, खाना भी बर्बाद ना हो। ठीक है, तो कल 12 बजे करीब, 1 बजे 2 बजे ले लेना, 2-2.5 हाँ, आप शाम को बनवा देना, शाम को अगर बनवा के रख देना तो कल मैं आपसे ले लूँगा। थैंक यू जी। उसका कुछ एडवांस वगैरह जो नहीं? ठीक है, थैंक यू सो मच। फिर मैं जहाँ पे रह रहा था वो वहाँ से 8 से 10 किलोमीटर दूर था। अगले दिन मैं स्पेशली 10 किलोमीटर दूर से यहाँ पे आया पेठे लेने। उन्होंने बोला इतनी सेवा नहीं कर पाएंगे। वो पेठे का बोला था ना, कल आया था मैं पेठे के लिए बोल रहा था, मैंने डब्बे के लिए नहीं, वो अंदर से बात कर लेंगे। वो कल मैं आया था ना पेठे के लिए बोला था, एक पेठे का डब्बा आपने बोला था बना देंगे। वो भैया एक बोला था मिक्स का डब्बा बनाने के लिए, उन्होंने बोला था बना देंगे। एक भैया तो पूछ लीजिए। हाँ, उन्होंने बोला था एक पेठे का डब्बा बना देंगे मिक्स सारा। उनको हमने बोला था कि सारा मतलब अलग अलग खाना है, फिर बहुत सारा हो जाएगा अगर सबका लेंगे तो। उन्होंने बोला था, कल आया था मैं, उन्होंने बोला था आप आ जाइएगा शाम तक। मैं आया था अराउंड 2 बजे के करीब। क्या नहीं बनेगा? बोला ही नहीं उन्होंने किसी से? बोला तो था कल यहाँ पे जो बैठे थे, बोला उन्होंने किसी कारण से बोला ही नहीं। भैया एक बार नहीं बात सुनो। हाँ, दो कलर में आते हैं। नहीं भैया वो मैं समझ गया था, मैंने उनको समझाया भी था। वो तो कह रहे है ही नहीं। कल यहाँ पे आपके साथ कोई बैठे थे शायद, या कोई और बैठे थे। वो उनको बोला था कि हम एक्चुअली क्या दिल्ली से आए हैं, वीडियो वगैरह बनाते हैं, तो सारे अलग अलग ट्राई करने हैं। आप आधा आधा किलो सबका लेंगे तो सारा बर्बाद हो जाएगा, काम फायदा नहीं आएगा। तो उन्होंने बोला था कि आप शाम तक आइए तो आपको एक बना के दे देंगे। अब ये कहने कि ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। अंकल 4 बार तो चक्कर लग गया है यहाँ पे, तो या तो आप बोलिए ही नहीं ना बंदे को, बंदे का टाइम खर्ची कर रहे हैं आप। कोई बात नहीं भाई साहब,
यार तो आप बोला ना करिए ना, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं आप। एक वो डब्बा दे दो कोई भी। मैंने आपको बोला ही नहीं इतनी सेवा करने के लिए, आपने खुद चल के बोला। आप तभी मना कर दो कि भाई नहीं हो पाएगा। आपको क्या पड़ी है दूसरे बंदे का टाइम वेस्ट करने के लिए? उसका मतलब आपकी जितनी मर्जी बड़ी दुकान हो, जितना मर्जी बड़ा हो, थोड़ी आपको ना दूसरे बंदे के प्रति थोड़ी सी इतना एटीट्यूड दिखाने का कोई क्या, आई थिंक थोड़ी सी तमीज़ होनी चाहिए। 430 रुपए का सामान उनकी दुकान से मैंने ले लिया, और वो डब्बा भी अगर वो 500 रुपए का बनाते, 700 रुपए का बनाते ना, तो भी ले लेता। मेरे को वैरायटी ट्राई करनी थी। चीज़ मैं उनको बता के आया था एक दिन पहले, और उन्होंने तब तो हाँ में हाँ ऐसे मिला दी, और उसके बाद जब आ गया तो हाथ खड़े कर दिए। बट एनीवे, जैसे भी है, पेठों का टेस्ट एक तरफ, बट हाँ तरीका होता बात करने का, वो उनमें 1% का भी नहीं है। जितनी मर्जी अच्छी दुकान हो, बात करने का तरीका अगर नहीं है तो आप क्या ही बोल सकते हैं। तो आपको अगर ये पेठे खाने हो तो किसी और से भिजवाना, खुद मत जाना, पता नहीं क्या बोल दे आपको, क्या ना बोल, डिसअपॉइंट। चलो अब खाते हैं वर्ल्ड फेमस आगरा के पेठे, जहाँ से पेठों का नाम फेमस हुआ है, पंची के पेठे। ये डब्बा मैंने ऑलरेडी खोल रखा था, इसको भी हम लोग यहाँ पे लेके आते हैं, पंची पेठे। और ये बेसिकली पंची की दाल ये पंची का ड्राई पेठा है, और ये पंची की दाल मोठ है। यार ये मेरे को ना आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर करना था। आप लोगों को लगता है कि दुकान वाले खाने वाले हमें ये करते हैं वो करते हैं, बट कुछ तो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लिटरली हमसे पैसे भी नहीं लेते। जो लोग खाने के वीडियोस वगैरह आप लोगों को दिखाते हैं कि इतना प्यार करते हैं कि हम लोग बाकी लोगों तक प्यार पहुंचा रहे हैं, अच्छा खाना पहुंचा रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे बदतमीज़ी से ट्रीट आते हैं, बदतमीज़ी से। खाना शुरू करते हैं। खाना खाने से ना एकदम दिमाग ठीक हो जाएगा। प्लेट सेट हो चुकी है, और ये कुछ प्लेट है ऐसी कमाल की है। ये सेम पान पेठा है गोपाल दास का। ये गोपाल दास के अंगूरी पेठे, दो अलग अलग फ्लेवर के। ये पूरा गिफ्ट पैक आता है पंची पेठा का। चलिए ये वाला ट्राई करते हैं, ये पता नहीं मेरे को कौन सा है। क्या बताऊँ क्या फ्लेवर है इसका, ऐसा बहुत ही अलग पेठा है, मतलब बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही यूनिक है। ये फ्लेवर था रेसबेरी, कमाल का फ्लेवर था। ओ मैंने ना भी ये प्लेट में ना इस साइड वाला खा लिया, मेरे को इस साइड वाला खाना था। ये वाला जो था गोपाल दास का था, मतलब वो पेठा खा के ऐसा हो गया, अलग ही दुनिया में आ गया मैं। नाउ आई अंडरस्टैंड कि विराट क्यों बोल रहा था कि पंछी पेठा का जो पेठा है वो अच्छा है, बट जो गोपाल दास का वो नेक्स्ट लेवल है। मतलब दोनों के केसर पेठा ट्राई करे, नेक्स्ट लेवल पेठा है गोपाल दास का। अंगूरी पेठा जो है ना बहुत जूसी होता है, उसमें फ्लेवर होता है, सिरप होता है, बट इसके अंदर कुछ तो ऐसी चीज़ है, कुछ तो एक ऐसी चीज़ है जो इसको बहुत अलग बनाती है। पता नहीं कैसे बनाते हैं ये लोग, बहुत अमेजिंग। और मेरा फेवरेट पान पेठा, मैंने दिल्ली में खाया है, बट दिल्ली में तो क्या ही मिलता होगा। ट्राई करते हैं पंछी का पान पेठा। पंछी का पान पेठा खाने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया है कि अगर आपने कभी और आगरा का कोई भी और पेठा नहीं खाया हो, तो आपको ये पेठे जो है पंछी के पेठे, आपको ये पंछी के पेठे बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। हमेशा और हमेशा एक पर होता है, लेकिन किंतु परंतु अगर आपने कभी भी गोपाल दास का कोई भी पेठा खाया हो, आपको समझ आएगा कि उसमें फीलिंग ज़्यादा, उसमें कुछ तो ऐसा है। मतलब पंछी पेठा 75% है, गोपाल दास इज 100% टेस्ट के मामले में। एटलीस्ट गोपाल दास तुम्हारे पेठे इतने बढ़िया हैं यार, थोड़ा लोगों पर भी ध्यान दे लो, लोगों को समझने लग जाओ। इस प्लेट में करीब 6-7 पेठे थे, और मैंने ऑलमोस्ट सारे ख़त्म कर दिए। गुलकंद से भरा हुआ है, और यह पेठे की परत देखो, कमाल का है, अलग लेवल की गेम है बॉस, बहुत बढ़िया पेठे हैं। विराट तूने बोला था गोपाल दास के पेठे अच्छे हैं, आई 100% एग्री, गोपाल दास के पेठे अच्छे हैं, बट उनका बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये चीज़ जो बेसिकली होती है, ये होती है दालमोठ। ये आगरा की ही पेशकश है दालमोठ, बेसिकली सेव है और दाल है, और इसमें काजू डाले हुए हैं। कैसे समझाऊँ आप लोगों को, आगरा की बेड़ई ने मेरा दिल जीत लिया, आगरा के पेठों ने मेरा दिल जीत लिया, आगरा की दाल मोठ ने मेरा दिल जीत लिया, आगरा ने दिल जीत लिया यार। बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, बहुत माइल्ड स्पाइसी है, इसमें काजू डाला हुआ है, बहुत ही सटल है। मतलब जिसे कहते हैं अपने काम से काम रख लिया, जितना अच्छा जो जितना जो होना चाहिए उतना वो है। और ये पेठे के डब्बे थे, मैंने उनको स्टाफ को बोल दिया, तो स्टाफ सब में बांट देंगे, सब पेठे खाएंगे, ग्रेट है। यहाँ से चेकआउट,
बाय बाय ताज, यू हैव बीन गुड, बाय बाय ताज महल ओवर देयर, यू हैव बीन आल्सो गुड, ताज नगरी कभी भी आओ ताज में रहो और ये गंदा सा जोक मारो, बाय बाय। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और नीचे मुझे कमेंट करके बताना कि आपका कोई ऐसा बुरा एक्सपीरियंस रहा है किसी जगह के साथ कि आप मतलब उस जगह के पास 3-4 बार गए हो। फर्स्ट या सेकंड वीडियो में दिखाया था हम लोगों ने वहाँ जाके एक परवल मिठाई खाई थी, जाते वक्त मैंने उनको फिर दोबारा रिकन्फर्मेशन बोला था कि भाई याद है ना आपको खाने पेठे चाहिए, वो कह रहे हाँ चाहिए ठीक है हो जाएगा। उसके बाद अगले दिन आते हो फिर दोबारा बोलते हो, फिर दोबारा बोलते हो, नोबडी केयर्स। ऐसे लोग मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, पहले बोलते कुछ हैं गिरगिट की तरह ना अपने रंग बदलते हैं, और आप तो दुकान चला रहे हो यार आप। एनीवे छोड़ो, मथुरा वृंदावन की सीरीज आएगी अब। आगरा का खाना मुझे बहुत अच्छा लगा, पहले ये पूरी आगरा प्लेलिस्ट आई बटन में लिंक्ड होगी, जाके चेकआउट करना। बस ये एक ऐसी चीज़ थी जो मैं सोच रहा था आपको बताऊँ ना बताऊँ, बट फिर मैंने सोचा नहीं ये थोड़ा बताना चाहिए। एनीवे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज मैं तन्वे फ्रॉम वेजी भाजी अभी निकलता हूँ किसी और बढ़िया जगह की तलाश में आप लोगों के लिए, और वो कंटेंट आप इसलिए मिस ना कर दो, इसलिए नोटिफिकेशन आइकन तो भी दबा देना। निकलते हैं अब किसी और जगह अच्छे खाने की तलाश में और अच्छे बिहेवियर की तलाश में। अगर दुकानदार अच्छा हो ना तो खाने का मज़ा और बढ़ जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।